वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड पार्ट में जाएंगे सीबीएसई के लेसन नंबर 8 जो कि मोशंस जो शीर्षक है उसका, और 9th स्टैंडर्ड का लेसन्स हैं। तो उसके थर्ड पार्ट में हम जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जो है वो अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं, और थर्ड पार्ट हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें और आती हैं, क्या क्या हमें सीखना मिलता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पिछले बार देखा कि यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हमने देखा। ओके, और अभी हम जाएंगे कुछ ग्राफ्स के माध्यम से, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। टेबल तो हमारा रेडी है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 2.5 का इजाफा हुआ है, यहाँ पर 9 के इजाफा हुआ है हर समय। ओके, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ से 9 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, और यहाँ पर टाइम में भी 5-5 सेकेंड का से की बढ़ोतरी है। यहाँ पर हम देखते हैं, इन दिस केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ अ कार इज शोन इन फिगर 8.6। ओके, यहाँ पर मोशन ऑफ अ कार यहाँ पर देखेंगे 5 सेकेंड 10 सेकेंड, यानी 5-5 का इजाफा। जब वेलोसिटी और टाइम एक ही जैसा होता है, तब हम जैसे मैंने कहा कि एक सीधी लाइन बनती है, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि सीधी लाइन बनी हुई है। द नेचर ऑफ द ग्राफ शोज द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स ऑफ द इक्वल इंटरवल्स, यानी टाइम और वेलोसिटी दोनों इक्वली चेंज हो रहे हैं। ओके, कोई आगे ना कोई पीछे। दस फॉर ऑल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट। ठीक है, अब हम यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव बाय द कार फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ अ टाइम ग्राफ। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पर ये जो एरिया जो बताया गया ब्लू में जो मार्क कर रहे हैं, वो बता रहा है कि डिस्टेंस बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है। अभी सी यहाँ दो हिस्से में बटा गया है, एक जो है स्क्वायर है, एक जो है ट्रायंगल है। दोनों का एरिया जब ऐड करेंगे तब हमको टोटल डिस्टेंस ओके हमें पता चलेगा। देन द एरिया ऑफ अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द कार इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। The car would have been moving with a uniform velocity. The distance travelled by it would be represented as A, B, C, D. Okay? अभी A, B, C, D. ये क्या है? Distance. Okay? अब तो एक distance रहा हमारा under the graph section 8.6. Since the magnitude of the velocity of the car is changing due to acceleration, velocity change हो रहा है और एक बढ़ोतरी हो रही है, the distance s travelled by the car will be given by the area A, B, C, D, E. Okay, अभी change हो रहा है, उसका distance change हो रहा है, तो यहाँ पर velocity हम क्या करेंगे, हम लोग A, B, C, D ने calculate करेंगे, वो distance है। अभी velocity जब हम calculate करते हैं तो ए बी सी डी और ई, ये पूरा जो एरिया है इसे हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, और अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट इज एस एस एनी डिस्टेंस एरिया ए बी सी डी ई दैट इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ए बी सी डी कहाँ से आया, ए बी सी डी ई जो एरिया है, जो डिस्टेंस है, उस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए ये जो स्क्वायर है यानी ए बी सी डी प्लस जो ट्रायंगल है ए डी ई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलता है ए बी सी डी ई, यानी टोटल एरिया हमको ऐड करना है। तो यही पर यहाँ पर बताया गया है
कि दोनों जब ऐड करते हैं तो हमको डिस्टेंस मिल जाता है. सो ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी इज इक्वल टू हाफ ए डी मल्टीप्लाई बाय डी ई. सो ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी, ओके, तो ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी ये वाला, यानी किलोमीटर्स द डिस्टेंस और टाइम, ओके, प्लस वन अपॉन टू ए डी मल्टीप्लाई बाय डी ई. वन अपॉन टू यानी हाफ ए डी मल्टीप्लाई बाय डी ई. सो यहाँ का हम टाइम और डिस्टेंस हमने देखा, उसी प्रकार रेक्टेंगल जो ट्राइंगल है उसका भी टाइम और डिस्टेंस हमने उसको भी मल्टीप्लाई किया. ओके, इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अभी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का के बारे में है, इसमें टाइम भी और डिस्टेंस भी एक ही रीति से चेंज हो रहे हैं, यानी एक ही लेवल से वो चेंज हो रहे हैं, इसे हम लोग यूनिफॉर्म कहेंगे. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कैसा होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स कैन हैव एनी शेप. तो यहाँ पर हम जो एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी शेप हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सीधा जो ज़ीरो से शुरू हो. यहाँ पर देखें, हमने ये छः से शुरू हुआ है और ज़ीरो पर ख़त्म हुआ है. यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है वेलोसिटी, उसमें कभी बढ़ोतरी है कभी घटोतरी है, ओके, यानी चेंजेस हमको दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो 8.7, अब इस ग्राफ्स, इन ए और बी के ग्राफ्स को हम रेफर करेंगे. शोज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हिज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, वाइल 8.7 शोज द वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटिंग नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम. अभी यहाँ पर समय जो है उसके अनुसार उसके जो डिस्टेंस है उसका चेंजेस भी एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर हम देख, यहाँ पर दिखाई देता है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है या वेलोसिटी है उसमें बदलाव हम देख सकते हैं और टाइम में भी हम बदलाव देख सकते हैं. ओके, अभी यहाँ पर वेलोसिटी सेम है लेकिन टाइम में चेंजेस हमको दिखाई दे रहा है. देन अभी एक्टिविटी यहाँ पर छोटी सी ये दिया गया है. यहाँ पर क्या क्या दिया है? स्टेशंस के नाम बताए गए हैं, स्टेशन ए, स्टेशन बी और स्टेशन सी. अभी टेबल किसके बारे में? डिस्टेंसेस ऑफ स्टेशन बी एंड सी फ्रॉम ए. तो ए जो है वो ओरिजिन है, तो ए से बी कितना डिस्टेंस हुआ, ए से सी कितना डिस्टेंस हुआ और बी से सी कितना डिस्टेंस हुआ, तो इसके बारे में हम जानेंगे. तो डिस्टेंस फ्रॉम ए, ए से जो है जो ओरिजिन है, क्योंकि ए स्टार्टिंग है इसलिए ज़ीरो, ओके, किलोमीटर्स. फिर ज़ीरो टू ए से बी 120 किलोमीटर्स और बी से सी 180 किलोमीटर्स, यानी ए से बी 120 और ए से सी 180 किलोमीटर्स. तो टाइम कितना लगा? ए स्टार्टिंग जो है 8 बजे शुरू किया यहाँ पर, ओके, यहाँ पर अराइवल, ओके, 8 बजे, यानी ज़ीरो से वो पहुँचे कभी 8 बजे वहाँ पर पहुँचे. और यहाँ पर देखेंगे कि बी कहाँ पर पहुँचे, वो लोग 11:15 को पहुँचे, ओके, और यहाँ पर सी को पहुँचे, यानी 1 बजे वो यहाँ पर पहुँचे. ओके, ये अराइवल है वो स्टेशन पर, इस समय पे वो गाड़ी आई है और इस समय वो गाड़ी निकल जाएगी यहाँ से. 8 बजे वो गाड़ी स्टेशन पर आई और 8:15 को वो गाड़ी वहाँ से निकल गई, ओके, और 11:15 को बी के स्टेशन पर वो पहुँची और 11:30 को वो बी के स्टेशन से निकल गई. 1 बजे वो सी के स्टेशन पहुँची और 1:15 में, यानी 13:15 को उसने डिपार्चर, यानी उसने यहाँ से यहाँ तक 8:15 यानी 15 मिनट लिया, फिर यहाँ से
8:15 से लेकर वो जब बी के स्टेशन पे पहुंची, तब हम देखते हैं कि वहां पर टाइम में चेंजेस आया, लेकिन यहां पर भी वो 15 मिनट 8 से 8:15 तक 15 मिनट वो स्टेशन पर रुकी रही। यहां पर भी देखते हैं कि 11:15 से 11:30 यानी यहां पर भी हम 15 मिनट रुकी रही, और 1 बजे से 1:15 यानी यहां पर भी वो 15 मिनट रुकी रही। लेकिन डिस्टेंस क्योंकि अलग था, यहाँ पर 120 किलोमीटर था, तो उसका डिस्टेंस बी में भी चेंजेस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके अनुसार उन्होंने कहा है कि तुम प्लॉट द एंड इंटरप्रेट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन अज्यूमिंग, यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना है उसका। ठीक है, ओके, यहाँ पर आपको उसका ग्राफ बनाना है, जैसे यहाँ पर जो ग्राफ बना वैसे ही इसको ग्राफ बनाना है, ये एक्टिविटी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक और एक एक्टिविटी लोग ने दिखाया है, तो ये एक्टिविटी भी जिस प्रकार हमने वहाँ पर सॉल्व किया उसी प्रकार आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ और बातों को भी जानेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट जो है वो जा रहा है, सीधा जा रहा है, और उसका एक्सेलरेशन में कोई बदलाव नहीं है, शुरुआत की उसने 5 किलोमीटर पर आर, एंडिंग भी की 5 किलोमीटर पर आर, इट इज पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन and the distance covered by it in a certain time interval by the equation known as the equation of motion. So, इसमें time भी आएगा, direction आएगा, velocity आएगा, acceleration आएगा, सारी चीज़ें जब आती हैं तो हमें एक equation मिलता form कर सकते हैं, और उस equation को बोलते हैं equations of motion. For convenience, a set of 3 such equation, और 3 प्रकार के equation, V ओके इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड 2AS इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 3 प्रकार के फॉर्मूलाज हैं जिसे आपको याद रखना है, जो ये दो ये सब हमने पिछले जो वीडियोस में हमने किए हैं। अब ये जो है इसका थर्ड पार्ट है, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप देख लीजिए, तो इसके अंदर ये सारे जो हमने कवर किए हैं। फिर u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड a इज द टाइम, v इज द फाइनल वेलोसिटी, एंड s इज द डिस्टेंस। तो ये u क्या होता है, v क्या होता है, यहाँ पर दिखा है v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u है वो इनिशियल यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी है, ओके okay? t जो है वो टाइम को दर्शाता है, a यानी एक्सेलरेशन है। ठीक है, और 8.5 डिस्क्राइब द वेलोसिटी टाइम रिलेशन एंड इक्वेशन 8.6, यहाँ पर 8.5 क्या करता है, वो वेलोसिटी टाइम को के बारे में बताता है, 8.6 क्या करता है, पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन के बारे में और कितना समय लगा उस पोजीशन तक पहुँचने के उसके बारे में बताता है, 8.7 क्या बोलता है, पोजीशन बताता है और उसका वेलोसिटी बताता है, दो चीज़ें बताता है, कैन बी ऑब्टेन्ड, ओके, एंड वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन 8.5 एंड 8.6, के उससे हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग टी, ओके। सो दीज 3 इक्वेशंस कैन बी डिराइव बाय ग्राफिकल मेथड। Equation for velocity time relation. Consider the velocity time graph of an object. ये time graph. X axis पर again time है. Y axis पर हमने देखा velocity यहाँ पर mention किया गया है. ठीक है? Okay. यहाँ पर हमने देखा अभी यहाँ पर कोई numbers नहीं है. Kilometers हम लोग डाल सकते हैं 1, 2, 3 ऐसे. ये 10, 20, 30 ऐसे equal इंटरवल्स ऑफ टाइम हम डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ
Consider as shown, consider the velocity of time graph of an object that moves under uniform acceleration as shown in figure 8.8. But now u is not equal to 0. मान लो तो इनिशियल वेलोसिटी है यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी है तो जीरो से शुरू नहीं होती. फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू एट अ पॉइंट ए एंड देन इट इंक्रीजेस टू पॉइंट टू वी एट पॉइंट बी इन टाइम टी. ओके, यानी जब वो ए से पॉइंट बी तक जाता है उसका समय में बढ़ोतरी होती है. Okay, the velocity changes at the uniform rate A. The velocity same rate पे change हो रही है लेकिन time वो इसमें changes अलग हैं, इसमें same rate नहीं है. The perpendicular lines BC and BE are drawn from point B on the time and velocity axis respectively, so that the initial velocity represented by OA. Okay. ये देखो यहाँ पर एक लाइन खींचा, यहाँ पर एक लाइन खींचा, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ओ ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, यानी यहाँ पर भी यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस. यहाँ पर देखा हमने ये जो ग्राफ का जो स्टार्टिंग है डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो से शुरू नहीं हुआ, वो कुछ और जगह से यानी 10, 20, 29 से शुरू हुआ, ठीक है. तो यहाँ से शुरू हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ज़ीरो से ही शुरू हो जाए. अंडरस्टूड? सो दैट द इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, द फाइनल वेलोसिटी बी सी एंड द टाइम इंटरवल टी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ सी. बी डी इज इक्वल टू बी सी. ओके, नाउ चेंजेस इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है. ओके, तो यहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर लाइन लाइन ड्रॉ किया है बी सी और बी. बी सी और बी कहाँ पर आया, बी सी और बी ई. ओके, ये लाइन हमने ड्रॉ किया, ठीक है. अब बी ई आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी ऑन अ टाइम एंड द वेलोसिटी एक्सिस रिस्पेक्टिवली, सो दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए. स्टार्टिंग जो है वो ओ ए रिप्रेजेंट करता है लेकिन हमने जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमने ऐसे ड्रॉप किया है, ठीक है. अभी द फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय बी सी एंड द टाइम इंटरवल टी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ सी. टाइम जो है वो हमको ओ सी बोल के बताता है ये पूरा टाइम है. ओके, जो इतना टाइम लगा उसे इतने किलोमीटर्स कवर करने के लिए. ओके, देन यानी किलोमीटर्स पर सेकेंड, किलोमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है. सो बी डी इज इक्वल टू बी सी, यानी बी डी इज इक्वल टू बी डी और बी सी जो है इक्वल है क्योंकि सेम टाइम उसने लिया है, ठीक है. देन बी सी इज इक्वल सी डी, बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी, सॉरी बी डी इज इक्वल टू बी डी किससे बना है. अभी देखो टाइम तो सेम है लेकिन किलोमीटर्स में डिफरेंस है, तो बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी. तो बी डी से सी डी माइनस करोगे तो बी डी मिलेगा. ओके, तो बी सी से बी डी माइनस करोगे तो बी डी मिलेगा. ओके, then let us draw AD parallel to OC. okay, AD हमने draw किया parallel to OC. okay, एक दूसरे को parallel है. अब यहाँ पर देखेंगे क्या है. From the graph we observe that BC is equal to BD plus DC. BC किससे बना है, BD plus DC से. okay, BC plus बी सी किससे बना है, बी डी प्लस डी सी, यानी ए प्लस ए इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए. ओके, बी डी प्लस ओ ए
PD plus OA, यानी OA, ओके। जब ये प्लस ये कर सकते हैं तो ये प्लस ये क्यों नहीं कर सकते, सेम डिस्टेंस है ना, पैरेलल है इसलिए सेम डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग BC इज इक्वल टू V एंड OA एज U, BC V है फाइनल और OA इनिशियल, सो V इज इक्वल टू BD प्लस U, ओके। तो जो फॉर्मूलाज हमने यूज़ किए थे वो फॉर्मूलाज के अनुसार, सो BD हम इधर रखते हैं, U को इस बाजू में लेकर आते हैं, सो V माइनस U हुआ, प्लस U था माइनस हो गया। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में बदलाव अपॉन टाइम टेकन, ओके। सो व्हाट इज द वेलोसिटी, दैट इज BD अपॉन AD इज इक्वल टू BD अपॉन OC, ओके। सब्स्टिट्यूटिंग OC क्या था, तुम्हारा टाइम था, इज इक्वल टू T, वी गेट BD अपॉन T, तो BD अपॉन T, ओके। अभी देखो BD अपॉन AD क्या है, टाइम टेकन, हमने AD लिया यहाँ पर, AD को बदले में हम लोग, जैसे इसके बदले में हम लोग ये ले सकते हैं, तो इसके बदले में हम ये भी ले सकते हैं, इसलिए इसने क्या किया है कि BD अपॉन AD के जगह पर OC लिया है, तो OC टाइम है, x एक्सिस पर है, तो A इज इक्वल टू BD अपॉन T टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BD इंटू 1 इज BD, A मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू AT, तो यूजिंग इक्वेशन 8.8 एंड 8.9 वी गेट V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो ये इक्वेशन फॉर्म होता है। इक्वेशन फॉर पोजिशन टाइम रिलेशन, लेट अस कंसिडर द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी अंडर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अभी ये भी डिस्टेंस और टाइम के बारे में बताया गया है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेंड बाय द एरिया इनक्लोज्ड विद एन OABC अंडर द वेलोसिटी टाइम AB, ओके। The distance traveled by the object is obtained by area enclosed within OABC. So area जो OABC में था, OABC, BC, ये दोनों के बारे में वो कहा गया, ठीक है। तो area जो था, एक तो ये जो rectangle है और ये जो ये triangle, इन दोनों को जैसे हम लोग ने पहले देखा, हाँ, तो दोनों को ऐड करने पर हमको टोटल एरिया मिला, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी उन्होंने वही कहा है, हम देखेंगे OABC अंडर द वेलोसिटी टाइम ऑफ AB, दस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट गिवन बाय S इज द डिस्टेंस, एरिया OABC विच इज अ ट्रेपेजियम, अब OABC का हम देखेंगे क्या वो ट्रेपेजियम है, क्या OABC इट्स अ ट्रेपेजियम, ओके, सट्रा, ओके, ट्रेपेजियम के लिया, देन 2 मिनट, ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, रेक्टेंगल जो है जैसे मैंने बताया, दोनों को ऐड करेगा तो हमको पूरा ट्रेपेजियम का एरिया मिलेगा, ठीक है। सो OA, अभी ये फॉर्मूला जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था वहाँ पर हाफ, ओके, उस सेकेंड फार्मूला जो यूज़ किया था हमने, हाँ, उस फार्मूला के बारे में देखो, ये वाला फार्मूला, ओके, तो यही वाला फार्मूला यहाँ पर भी उन्होंने यूज़ किया है, ओके। ओ ए मल्टीप्लाई बाय OC इज इक्वल टू हाफ AD मल्टीप्लाई बाय PD, OA क्या है, U, OC क्या है, OC और AD एक ही है, अगर ग्राफ देखो उसमें OC और AD एक है, OC इनके पैरेलल है, ठीक है, तो
यहाँ पर वो टी लिया है क्योंकि टाइम को दर्शाते हैं, और बी डी इज इक्वल टू ए टी। सो हाफ मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूला डाल दो उसके अनुसार, तो एस इज इक्वल टू यू इंटू टी यू टी प्लस वन अपॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय टी टी इंटू ए टी ए टी स्क्वायर, ओके हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला हमको वहाँ पर मिला जो हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है ओके। तो अभी थर्ड फॉर्मूला के बारे में हम जानेंगे। इक्वेशंस फॉर पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 8.8, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इज गिवन बाय एन इनक्लोज्ड एरिया इनक्लोज्ड विद इन द ट्रेपेजियम ओ ए बी सी अंडर द ग्राफ। दैट इज अभी जो एरिया हमने बोला वो रेक्टेंगल और वो ट्राइंगल दोनों ऐड करेगा तो वो एरिया जो है वो ओ ए बी सी है। दैट इज एस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, तो ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाय ओ सी। हम देखेंगे तो डिस्टेंस है एस एन, डिस्टेंस है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है ओके, ओ ए प्लस बी सी यानी ओ ए ये वाला प्लस बी सी ये वाला ओके, और सॉरी ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाय ओ सी ओके। तो क्या मिला हमको यहाँ पर, सब्स्टिट्यूटिंग ओ ए इज इक्वल टू यू अपॉन टू, ओ ए जो है वो यू, बी सी है वो बी, ओ सी है वो टी। तो जब हम ये फॉर्मूला इसमें डालते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ टाइम रिलेशन इक्वेशन 8.6 वी गेट टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। अभी ये जो फॉर्मूला है ओके वो डिस्टेंस के बारे में बोलता है, और ये जो फॉर्मूला है वो टाइम के बारे में बोलता है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको बाहर कर रहे हैं ओके ओके। तो फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन का ये है, और पोजीशन का एंड डिस्टेंस का ये फॉर्मूला ओके। तो इक्वेशन दोनों इक्वेशन अगर हम साथ एक यूजिंग इक्वेशंस ऑफ 8.11 8.12 वी हैव डिस्टेंस यू प्लस वी ये वाला, वी प्लस वी माइनस यू ये वाला अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई ए दैट इज टू ए। ये दोनों मल्टीप्लाई किया है ओके तो इसको टू ए हमको मिला है, ठीक है क्योंकि टाइम को हमने सेपरेट लिया। सो टू ए एस इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हम जानते हैं फॉर्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके साथ ये हम वीडियो यहीं पर ख़त्म करेंगे। इस वीडियो को फिर से आप जाकर देखिए, कुछ समझ में नहीं आता तो फिर बार बार इसको जाकर देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। तो आप ये पूरा कीजिए, अगले पार्ट में हम बाकी का लेसन कवर करने वाले हैं। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, थैंक यू।